नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे इस कंपनी का 52 वीक लो जो कि 23 पैसे का हुआ करता था, कंपनी वहां से उठकर 7 रुपए तक गया था। अगर इस कंपनी के पिछले 3 साल के आप डेटा को देखेंगे तो हर साल यह कंपनी आपको 2000% से ज़्यादा का रिटर्न दिखा देता है। तो क्या ऐसे में इस कंपनी को बाई करके चलना चाहिए या फिर जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब यह कंपनी लोअर सर्किट पर चलना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं क्योंकि हम सब कुछ डिटेल में एनालाइज करके आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटली आपको एक एवरेज की कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस कंपनी के अगर वीक पॉइंट की बात करें तो इस कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा जो कि 5.34% का है। जबकि अगर बात करते हैं इस कंपनी के ऊपर डेप्ट की तो आप देखेंगे 2.73 करोड़ का डेप्ट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला कि यह कंपनी पिछले 3 साल से हर साल 2000% का रिटर्न दे रहा है, तो उसको देख भी लेते हैं। आप देखेंगे एक साल में 1680% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, दो साल की बात करें तो 3445% का रिटर्न, जबकि अगर बात करते हैं 3 साल की तो आपको 5755% का रिटर्न देखने को मिलता है। हालांकि अगर 10 सालों की बात करें तो यह कंपनी आपको माइनस में देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों क्या इस कंपनी को अभी बाई करना ठीक होगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो अभी बाई करेंगे यह कंपनी अभी काफी नीचे जाने वाला है। तो फिर आप चाहें तो वेट कर लें क्योंकि यह कंपनी आपको और भी सस्ते में मिलने वाला है। तो देख लेते हैं इस कंपनी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों अगर इस कंपनी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो 5.50 रुपये के पास का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी अगर इसको ब्रेक करके इसके नीचे जाता है तो उसके बाद यह कंपनी जा सकता है 4.20 रुपये, और उसके बाद अगर उसके भी नीचे निकल जाता है तो 3 रुपये के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके बाद इस कंपनी में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यह कंपनी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो फिर से एक बड़ी तेजी आपको दिखाएगा और 6.5 रुपए का इस कंपनी का पहला टारगेट होगा। कंपनी जैसे ही उस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 8 रुपए के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई किए हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग भी इस कंपनी को बाई करना चाहते हैं वो चाहे तो इस कंपनी के सपोर्ट लेवल के पास में इस कंपनी को बाई करके चल सकते हैं। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है अगर उन्हें निकलने का मौका मिलता है तो वो निकल सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगाकर आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।